हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। इस स्ट्रेटजी का नाम है मैरिड पुट। ये नाम थोड़ा सा फनी है, लेकिन इसको मैरिड पुट क्यों बोलते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक मैरिड पुट क्या होता है, इसको अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो इसमें हम कुछ नहीं करते, बेसिकली हम एक पुट ऑप्शन को बाई करते हैं। तो मैरिड पुट स्ट्रेटजी को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम एक पुट ऑप्शन को बाई क्यों करते हैं। देखिए, पुट ऑप्शन को हम दो वजह से बाई करते हैं, एक तो हमारे डायरेक्शनल व्यू को प्ले करने के लिए और दूसरा हेजिंग के लिए। जी हाँ, पुट ऑप्शन है, इससे हम हेजिंग करते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं वो पुट ऑप्शन को यूज करते हैं। बेसिकली जो पुट ऑप्शन है इसको इन्वेस्टर बाई करते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग है ये इंट्रोड्यूस ही हेजिंग पर्पज से की गई है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस है ये एक हेजिंग टूल है, लेकिन लोगों ने इनको एक ट्रेडिंग टूल बना दिया है, लोग अब इनको ट्रेड करने लग गए हैं, लेकिन असल में ये एक हेजिंग टूल है। तो जो ऑप्शंस है इनको यूज किया जाता है हेजिंग पर्पज से। तो जो पुट ऑप्शन है इसको बाई करते हैं इन्वेस्टर, मतलब इसका जो बेसिक यूज है वो ये है कि इन्वेस्टर इसको बाई करते हैं, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको हेज करने के लिए। तो पुट ऑप्शन से वो अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरह से हेज कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, उसने किसी स्टॉक में बाई कर रखा है, लेट से उसने रिलायंस को बाई कर रखा है। अब रिलायंस में उसने इन्वेस्ट कर रखा है, उसने स्टॉक को बाई कर रखा है, तो अब उसका रिस्क क्या है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तब तो उसे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो उसे लॉस हो सकता है। तो अब इस लॉस से बचने के लिए वो क्या करेगा, वो पुट ऑप्शन खरीद सकता है। पुट ऑप्शन खरीदने से क्या होगा, पुट ऑप्शन जो होता है इसमें आपको कब फायदा होगा, जब मार्केट गिरता है। तो जब मार्केट गिरेगा तो आपको पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होगा, और जो रिलायंस का स्टॉक इस इन्वेस्टर ने खरीद रखा है उसमें उसको लॉस होगा। तो रिलायंस के स्टॉक में जितना लॉस होगा उतना प्रॉफिट उसको पुट जो उसने बाय किया है उसमें हो जाएगा। तो जो पुट है ये यहाँ पे एक इंश्योरेंस है। जो इन्वेस्टर होता है जिसने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, स्टॉक्स को बाय कर रखा है, अगर उसको अपने पोर्टफोलियो को हेज करना हो, अपने पोर्टफोलियो के लिए एक इंश्योरेंस बाय करना हो, तो वो बेसिकली एक पुट को ही बाय करेगा। जो पुट ऑप्शन है ये एक इंश्योरेंस है एक इन्वेस्टर का, वो इंश्योरेंस बाय करेगा तो वो क्या करेगा, वो एक पुट को बाय करेगा। तो पुट ऑप्शन का जो रियल यूज है वो यही है कि जो इन्वेस्टर है वो अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सके, एक इंश्योरेंस बाय कर सके। तो अब आप देखिए, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि पुट ऑप्शन हम दो वजह से बाय करते हैं, या तो हेजिंग के लिए या फिर अपने डायरेक्शनल व्यू को प्ले करने के लिए। तो अगर आप पुट ऑप्शन को सिर्फ अपने डायरेक्शनल व्यू के लिए बाय करते हैं तो ये होता है प्लेन वनीला पुट, कि आपने पुट ऑप्शन को बाय कर लिया और आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपको प्रॉफिट होगा, आपका व्यू है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो उस व्यू को प्ले करने के लिए आपने एक प्लेन वनीला पुट को बाय कर लिया है। ये होता है नेकेड पुट बाइंग, इसको प्लेन वनीला पुट बोलते हैं। और दूसरा यूज पुट का ये है कि एक इन्वेस्टर पुट को बाय करे जो उसका पोर्टफोलियो है उसको हेज करने के लिए। तो जब एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसके अगेंस्ट वो पुट को बाय करता है तो इस पुट को बोलते हैं मैरिड पुट। इसको मैरिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नेकेड नहीं है, ये किसी चीज के अगेंस्ट बाय की गई है। किसके अगेंस्ट बाय की गई है, जो इन्वेस्टमेंट है इस इन्वेस्टर के, उनके अगेंस्ट इसने इस पुट को बाय किया है, तो ये नेकेड पुट नहीं है, इट इज ए मैरिड पुट। तो मैरिड पुट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यही है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसको हेज करने के लिए जो आप पुट बाय करते हो इसको एक मैरिड पुट बोला जाता है। तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है, एक मैरिड पुट आपको हमेशा रखनी चाहिए, कि अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है उसका आप डेल्टा देखिए और उसके अकॉर्डिंग आपके पास मैरिड पुट होने चाहिए, पुट ऑप्शन होने चाहिए, इनकेस अगर मार्केट गिरे तो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस बाय नहीं कर रखा है। तो हमेशा पुट ऑप्शन आपको बाय करके रखना चाहिए। मैरिड पुट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एक इन्वेस्टर के लिए। तो वैसे तो इसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आप ना समझो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखा देता हूं कि मैरिड पुट किसको बोलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा के स्क्रीन पर ले आया हूं, और जो मैरिड पुट होती है ये इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट यूज होती है, लेकिन ऑप्स्ट्रा में हम कैश में बाय करके नहीं दिखा सकते। तो यहां पे मैं फ्यूचर का एग्जांपल लेकर आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आपको मैरिड पुट को फ्यूचर के अगेंस्ट यूज नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट यूज होती है। तो मान लीजिए आपने रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैं यहां पे रिलायंस का स्टॉक लगा देता हूं। तो रिलायंस को कैश में बाय करने का तो यहां पे ऑप्शन नहीं होगा, तो मैं यहां पे आपको एक फ्यूचर बाय करके दिखा देता हूं। मान लीजिए आपने रिलायंस को बाय कर रखा है, यहां पे मैं फ्यूचर बाय कर रहा हूं, लेकिन आप ये सपोज कीजिए कि आपने रिलायंस को कैश में बाय कर रखा है, तो ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है, आपने रिलायंस को बाय कर रखा है। अगर रिलायंस ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, और अगर रिलायंस नीचे जाता है तो आपका जो लॉस है वो भी अनलिमिटेड है। तो देखिए, अगर मार्केट ऊपर जाता है तब तो आपको प्रॉफिट होगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रिलायंस गिर जाता है उस टाइम पे आपको लॉस होगा। तो यहां पे जो आप पुट ऑप्शन बाय करोगे उसको एक मैरिड पुट बोलते हैं। तो मैं ऑप्शन चेन में चलता हूं, और रिलायंस कहां पे ट्रेड कर रहा है, 2550 पे।
2550 है वो एट द मनी का लेवल है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 50 डेल्टा के आसपास जाके और एक पुट ऑप्शन को बाई कर लूंगा। अब आपको पुट ऑप्शन कौन सा बाई करना है उसका भी एक अलग क्राइटेरिया है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप ये समझिए कि मान लीजिए मैं ये 45 डेल्टा का पुट ऑप्शन बाई कर लेता हूँ, तो ये जो पुट ऑप्शन मैं बाई करूंगा जो मेरा कैश में इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट, इसको एक मेरिट पुट बोलते हैं। अब नीचे की तरफ जो आपका लॉस है वो कैप हो गया है, अब आपको 15,000 रुपीज से ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो जब आप अपने कैश में जो आपने बाई कर रखा है उसके अगेंस्ट आप पुट बाई करते हो तो इट इज ए मेरिट पुट। अब मेरिट पुट आपको कहां पे बाई करनी चाहिए और वो डेल्टा सिलेक्शन आपको कैसे करना है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में अगर मैं ये बताने लग गया तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आज इस वीडियो में मैंने आपको बहुत बेसिक चीज बताई है कि मेरिट पुट क्या होती है, लेकिन वो मेरिट पुट आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से किस डेल्टा की आपको बाई करनी है ये मैं किसी अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये होती है एक मेरिट पुट, और अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कुछ पुट ऑप्शन बाय करके रखो। जो आपके पोर्टफोलियो का बीटा है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ पुट ऑप्शन बाय करके रखने चाहिए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।